नमस्कार, मैं सोनू पाठक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द बिग बेंच के एक बड़े ही कमाल के शो में, जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष दोनों कोई ना कोई मुद्दे लेकर राजनीतिक मैदान में उतरेंगे। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो पिछले 70 सालों से ज्यों का त्यों पड़ा है, ये मुद्दा है बेरोजगारी का। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिन्हें कहीं पर निठल्ला कहा जाता है, कहीं पर निकम्मा कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में इन्हें हम बेरोजगार कहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं देश के एक बेरोजगार युवा से। कैसे हैं? क्या पूछा आपने? कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है आप? ऐसा है कि आज तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं कि कैसे, तो दिल भर आया था थोड़ा सा। अभी ठीक है, अभी हल्का हल्का लग रही है, अभी पूछो आप। आप ये बताइए कि पढ़े लिखे कहाँ तक है? देखो हाँ, ऐसा है कि लिखेगा तो कुछ पता नहीं, पढ़े बहुत हैं। अच्छा हाँ, तो जब पैदा हुए तो सूतक में पढ़े, थोड़े और बड़े हुए तो काल सर्प दोष में पड़े, जवानी में इश्क में पड़े, उसके बाद दोस्तों की गलत संगत में पड़े, अब उम्मीद में पड़े, और पड़े पड़े ऐसे हो गए हाँ कि जब घर आते हैं तो दोस्त कॉल करके पूछते हैं, कौन भाई जूते कितने पड़े? क्या हो गया? मार का खोपड़ी तोड़ साले का। खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम काम की बात पर आते हैं। हमने आपको बुलाया है बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने के लिए। हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि अभी तक आपने कोई काम धंधा किया कि नहीं किया? हाँ, बहुत बहुत काम किया मैंने। मैं कॉलेज पास आउट किया 2010 में। कॉलेज निकलते ही मैंने काम करने की कोशिश की। मेरे को लोगों ने किया कि भाई तुम ना वो करो, बैंक के फार्म भरो। अच्छा, वो बैंक के फॉर्म भरते हैं ताकि सरकारी नौकरी लग जाए। हाँ, तो सुनो भाई, फिर मैंने पता है क्या किया, मैं टीटी नगर, एसबाग स्टेडियम, पुल बोगदा, ऐसी कोई जगह नहीं, कोई बैंक की ब्रांच नहीं जिधर मैंने फॉर्म नहीं भरा। मैंने 3 साल लगातार फॉर्म भरे बैंक के, पर नौकरी नहीं मिली। क्यों? अरे मैं डिपॉजिट के फॉर्म भर रहा था, मेरे को बाद में किसी ने बताया जब मेरी उम्र निकल गई फॉर्म भरने की, तब उसने बोला कि भैया डिपॉजिट के फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए अलग फॉर्म आता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद आया 2014। अच्छा, मैं बन गया राइटर। अच्छा, आप राइटर भी है? अरे हाँ। क्या बात है, क्या बात है। मैंने ऐसी ऐसी कोटेशन लिखी है। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या फेमस कुछ लिखा है आपने? सबसे फेमस कोटेशन है मेरी कि देखो आधा पेशाब कर रही है। क्या ये फेमस नहीं? आपने नहीं सुनी? कहीं भी देखी होगी, कहीं मैंने ही लिखी है। वो जो दीवारों पे लिखा रहता है। हाँ हाँ, ये आपने लिखा है? और कौन, मैं ही। तो ये फिर बंद कैसे हुआ काम? हाँ यार, सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, मोदी जी ने चला दिया स्वच्छता अभियान। हाँ, वो जब आए थे उन्होंने चलाया। हाँ, और हर जगह सुलभ शौचालय खुलवा दिए। हाँ, उसके बाद से लोगों का खुले में पेशाब करना और मेरा खुले आम लिखना दोनों बंद हो गया। सरकार की गलती है सब। उसके आगे फिर आपने कोई काम धंधा किया कि नहीं किया? इसके बाद हाँ आया 2016। हाँ पूछो मत, 2016 आया। हाय हाय, मैंने इतने पैसे छापे 2016। घड़ी उसी पैसे से ली है। अरे ये कपड़े उसी से लिए हुए, आज तक चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत पैसे छापे, लापक के छापे। कमाल है, ऐसा कौन सा बिजनेस था भाई? नोट छापने का, नकली। क्या? हाँ, सरकार को ये बात ही नहीं पसंद आई, सरकार ने नोटबंदी लगा दी, मेरा छपाई का काम और नोट दोनों घर में रह गए। लेकिन हाँ एक बात बताऊँ, पुलिस आई उसी छपाई वाली मशीन से, अब पुलिस ने मेरे हाथ पे छापा है कि मेरा बाप एकदम सही है, मैं चोर हूं। सरकार से ये भी ना देखा गया, बंद करा दिया मेरा ये काम। सरकार को पसंद नहीं कि युवा काम पे लगे। आपके माथे पे भी कुछ छापना चाहिए था। हाँ, क्या चीज? मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। उसके बाद फिर आपने कोई काम धंधा किया कि नहीं किया? उसके बाद हाँ आया 2018। और मैंने शुरू किया सोशल वर्क, समाज सेवा। समाज सेवा? अरे क्या बात है। मैं पुल बोगदा पे खड़ा होता था। किधर किधर? पुल बोगदा पे। पुल बोगदा जगह है? हाँ जगह है, गाली जैसी लग रही है पर है जगह। अच्छा, अच्छा। मैं पुल बोगदा के इस साइड खड़ा होता था, उस साइड से लौंडे बाइक पे आते थे बिना हेलमेट के,
मैं उन्हें रोक के बताता था, अरे हाँ आराम से आगे चालान कट रही है। ये कौन सा काम हुआ? तो देखो हाँ, ऐसा है कि चालान कटता है 150-200 रुपए का, मैं उनको बता देता था, वो मुझे 5 रुपए देते थे, हर बाइक का 5 रुपया, इतना सही धंधा था। लेकिन सरकार को ये भी पसंद नहीं आया, बंद करा दिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। इसमें सरकार कैसे बंद करा सकती है काम? सरकार ने बहुत गलत काम किया, सरकार ने हर जगह सीसीटीवी लगवा दी, अब चालान डायरेक्ट घर पे पहुंचता है, मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अब जो लौंडे लड़कियां घुमाने के लिए निकलते थे, अब उन लौंडो का बाइक और उनकी लव स्टोरी दोनों घर पे पड़ी पड़ी सड़ रही है, फिर बेरोजगार हो गया सरकार की वजह से। उसके आगे बताइए क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मैं इन सब चीजों से परेशान हो गया और मैं चला गया 2020 में मैंने स्प्रिटी पीटी पे काम किया। इसमें मैं स्प्रिटी पीटी में चला गया, अरे वो जाते हैं ना इसे स्पिरिचुअलिटी, तो फिर जब मैं स्प्रिटी पीटी में चला गया तो मेरा मेन काम था लोगों से पैसे इन्वेस्ट करा के सही जगह पे लगाना। अच्छा, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे और उसको इन्वेस्ट करते थे? यही बात है। ये कौन सा धंधा है? अल्लाह के नाम पे मांगता था, भगवान के नाम पे मांगता था। अरे इसको तो भीख मंगा ही कहते हैं, आप भीख मांगते थे क्या? एक पीओवी से ये भीख मांगना हुआ, पर मेरे पीओवी से ये स्टार्टअप है। हाँ। लेकिन सरकार को ये भी बात पसंद नहीं आई। अरे भाई, अब इसमें सरकार ने, अरे वो सरकार ले आई ना QR माकी यार, UPI। हाँ वही। अब उसके बाद से लोगों की जेब भी खाली, मेरा कटोरा भी खाली, कोई पैसे ही नहीं देता, सब ऑनलाइन पेमेंट कर रही है, मैं बेरोजगार हो गया सरकार की वजह से। अच्छे जूते बढ़िया, कितने के लिए आपने? जूता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे आज अफसोस हो रहा है कि अचानक नहीं खुल पाता, पता है? अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या, सब सरकार की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब कुल मिला के जितनी आपने बातें कही, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आपके हिसाब से आपके सारे काम धंधे सरकार ने बंद कराए। पूरी 96% गलती सरकार की है, सिर्फ 4% मेरी किस्मत खराब है। अच्छा। हाँ तो हाँ, ऐसा हुआ कि जब इन सबसे मैं परेशान हो गया तो मैंने सोचा 2023 में कुछ नया काम करें, अपन ने स्टार्टअप शुरू किया। अच्छा, क्या किया? लेंडिया तालाब के पास जितने कपल बैठते थे मैं उनकी लव परसेंटेज निकालता था। लव परसेंटेज होता है ना, कोई कितना प्यार करते हैं दोनों आपस में, ये बताता था मैं उनको। ये कोई काम हुआ? अरे इस काम के बहुत पैसे मिलते हैं, अगर किसी को बताएं कि भाई कितना प्यार करते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं। मैंने एक कपल का निकाला, आप सोनू भाई यकीन नहीं मानोगे, 100% निकला उनका। अच्छा। मैंने कहा शादी कर लो, उनने शादी नहीं की, मुझे ही सुझा दिया। अरे हाँ, वो भाई बहन निकले यार। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो ये मेरी पूरी एक कहानी है कि मतलब मैं फिर बेरोजगार हो गया। क्या पूछूं मैं आपसे, आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल हरियाणा में रह रही हूँ। हरियाणा में रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्यों? हरियाणा की जो सरकार है ना, वो बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीने का भत्ता देती है, तो पूरी जवानी हरियाणा में बिताऊंगा, उसके बाद अपन निकल लेंगे कहीं पे भी, क्योंकि बुढ़ापे में भत्ता तो हर राज्य की सरकार दे रही है। क्या हो गया सोनू भाई, भूख लगी तो कुछ खाने को मंगा लो, हाथ पांव क्यों खा रहे हो? इसे बीपी। अच्छा कंट्रोल हो जाता है। नहीं, तो ऐसे दोनों से करोगे तो ज्यादा अच्छा कंट्रोल होगा। नहीं, आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि सरकार अगर आपको काम दे भी तो भी आप काम करना नहीं चाह रहे। आपको अगर ऐसा लग रहा है, मेरे को अभी कोई काम दो, मैं तुरंत करके बताऊंगा। चाय बनाना आता? अरे कैसी चाय, मर्दानी जनानी बचकानी हर तरह की चाय बना लेते। जाइए, मेरे लिए चाय बना के लाइए। पक्का लेके आ जाऊंगा, कड़क पियोगे? अरे चाय जैसी भी बनाओ वैसी बनाओ, जाओ यार। चीनी कितनी डालू? अरे भाई जाओ आप यार। तो देखा आप लोगों ने और सुना भी इनको, हम सरकार पर ब्लेम लगाते हैं कि सरकार की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो कि सही बात है, लेकिन इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ युवा ऐसे भी हैं जो काम करना ही नहीं चाहते और इसी वजह से इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे सोनू भाई, हाँ सुनो तो यार, वो चाय का पेड़ नहीं मिल रहा है। चाय का पेड़ कहाँ होता है यार? चाय का पेड़ होता है तभी तो पत्ती होती है। बैठो यार, मैं ही चाय बना के ले आता हूँ। अरे नहीं, मैं बना दूंगा। अच्छा सुनो, थोड़ी कड़क बनाना, चीनी कम रखना है, बढ़िया वाली मस्त, और चाय के साथ कुछ होंगे पकोड़े वकोड़े वो भी ले आना। जब सब जगह भत्ता मिल रहा है तो काम का एक निकलना।